देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश बुलेटिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश के हमीरपुर जिले के ऐतिहासिक कंसवध मेले की झांकी निकालने के दौरान दो समुदाय के बीच चार दिन पहले बवाल की गाज जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पर गिरी है। शासन ने SP अजय कुमार सिंह को हटाकर पुलिस महानिदेशालय भेज दिया है। यही नहीं, कंसवध मेले को लेकर बवाल के बाद तनाव कम होने के नाम नहीं ले रहा है। इस घटना में पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है। हिंदू संगठनों ने DIG, SP, DM को हटाकर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक विवादित बयान के कारण सुर्खियों में हैं। मैनपुर में एक समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पागल तक कह दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं, हालांकि अभी राहुल गांधी उस लायक ही नहीं है। प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई EOW ने वरिष्ठ IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से बरी कर दिया है। इस मामले की विवेचना के बाद उन्हें आय से अधिक संपत्ति का दोषी नहीं पाया गया है। प्रदेश की पुलिस हमेशा विवादों के बीच फंसी रहती है। इसी तरह एक बार फिर UP पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। UP पुलिस ने 5 साल के एक बच्चे के खिलाफ दो पक्षों के बीच आपसी झगड़े को लेकर FIR दर्ज कर ली। शामली में हुए इस विवाद में पीड़ित पक्ष ने घटना की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से की तो उन्होंने शामली के पुलिस अधीक्षक को मामले की पड़ताल के लिए निर्देश दिए। मामले की किरकिरी होता देख स्थानीय पुलिस ने बाद में FIR से उस बच्चे का नाम हटा लिया। प्रदेश की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मथुरा के करीब स्थित जटोरा नाम के एक गांव में UP पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि ये लोग पिछले 2 साल से इस गांव में रह रहे थे। प्रदेश के मेरठ जिले में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान क्रांति यात्रा के तहत हजारों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए डेरा डाल लिया। किसान का ये विरोध प्रदर्शन आज भी चलता रहेगा। यही नहीं, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उनकी तुलना मुअम्मर गद्दाफी से की। किसानों ने गन्ने के मूल्य को 450 रुपये क्विंटल करने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहें ग्रामीण न्यूज़। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।